अरे मायावी रूप से खाए, चलो आगे चलते हैं, चलो जय श्री राम, जय श्री राम। सारे बानर प्यास से व्याकुल हैं, जल की व्यवस्था करें कहीं पर। ठीक है, हाँ यदि इन बंदरों को जल नहीं मिलता तो जल के बगैर इनका प्राण भी जा सकता है। अवश्य। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि सामने की ओर बहुत से पक्षी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। हो सकता है कि वहाँ जल का आश्रय हो, मैं देख कर के आता हूँ। देख क्या लिया? जय श्री राम, जय श्री राम। गिरते उतर पवन सुन आवा, लय सब ही सब विवर्ग खावा। आइयो चलो, जल का आश्रय मिल गया। मिल गया? हाँ। तो कैसे जाएंगे? आप मेरी पूछ पकड़िए, एक एक दूसरे की पूछ पकड़ते निकल चलो। हाँ ठीक है, पकड़ो मेरी, पकड़ो पहले। आगे करी हनुमंत बहुत प्यासे और भूखे हैं। अवश्य। यदि कहीं जल की व्यवस्था है तो आप बताएं, इसके बाद आगे की समाचार हम सब करें। ठीक है, अगर आप लोग प्यासे हैं तो हमारे कुटिया के पीछे एक सरोवर है, आप सभी जाइए जल पान कीजिए, फिर आइए मेरे पास, आप फल भी हैं। मन के की मधुर भर हे माँ, हम सब प्रभु के कार्य के हिसाब से यहाँ तक आए हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, इतने घनघोर जंगल में आप अकेली बैठी हैं, आप कौन हैं? अगर आप लोग सच में जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं देवराज इंद्र की यहाँ की अप्सरा हूँ। मैं तीन बहन थी, हेम प्रभा, सेम प्रभा और देवांगना, देवराज इंद्र के यहाँ नृत्य करते हुए एक मायावी राक्षस आया और हम तीनों उड़ चला, लेकिन उसने मुझे यहीं छोड़ दिया। मेरी दो बहन को लेकर पता नहीं हो कहाँ चला गया, तब से मैं भगवान की यहीं पर अस्थि वंदना करती हूँ। लेकिन आप लोग कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं, कहके बताइए। हे माँ, हम प्रभु श्री राम के सेवक हैं, प्रभु श्री राम के साथ में मातेश्वरी सीता भी थी, किसी निश्चय ने उनका हरण कर लिया है, उन्हीं का पता लगाने के लिए हम सब बानर चारों तरफ चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं पाए हैं। हम लोग इसे जंगल में तो आ गए, लेकिन बाहर जाने का मार्ग नहीं है, और आप प्रभु का दर्शन करना चाहती हैं, ऐसा आप हमसे कहे तो इस समय प्रभु श्री राम पवरसन की पर्वत में विराजमान हैं, आप हमें यहाँ से जाने का मार्ग बताएं, इसके बाद आप स्वयं जाके प्रभु का दर्शन करें। हाँ। अगर आप इस घनघोर जंगल से निकलना चाहते हैं तो आप सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आप स्वयं समुद्र तट पे पहुंच जाएंगे। अरे भैया, वही निश्चय वाली बात आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर ये धोखा दे रही हो? कोई बात नहीं है भाइयों, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए
जीवन का अंत ही हो जाएगा, कोई परवाह नहीं है। ठीक है तो खड़े हो जाइए सब कोई। जय श्री राम। जय श्री राम। पदरी बन रहा था